दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कश्मीर में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। यहाँ पर अभी हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से एक टूरिस्ट जो थर्ड टाइम यहाँ पर आए हैं कश्मीर, उनके साथ बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? अर्पित। अर्पित, हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा, आपका जो ये थर्ड टाइम है अभी कश्मीर में? यस। इससे पहले आप कहाँ कहाँ पे गए हो कश्मीर? कश्मीर में जैसे कि पहलगांव गया हूँ मैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग भी गया हुआ हूँ, आगे अपने लद्दाख भी गए हुए हैं। लद्दाख में इस बार दूसरी बार हूँ और श्रीनगर तीसरी बार हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर मुगल गार्डन्स है या श्रीनगर में निशात है, शालमार है और हारमन है यहाँ पर, और अभी यहाँ पर हम बैठे हैं बॉटनिकल गार्डन में। हाँ। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? ये सेकंड टाइम आए। अच्छा, ये बॉटनिकल गार्डन में? ये सेकंड टाइम। आपको पता है कि ये बॉटनिकल गार्डन के बारे में आपको पता है? ये नहीं, हिस्ट्री मेरे को नहीं मालूम। जो ये बॉटनिकल गार्डन है 1969 में ये सेटअप किया गया है, डल के साइड से इसको बनाया गया है और 1969 में इसको सेटअप किया गया है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगवाए गए हैं यहाँ पर, ओक, जिस तरह हम यहाँ पर बैठे हैं पाइन ट्रीज के पास हम बैठे हैं, और यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो प्लांट्स हैं, ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पर लगवाए गए, इसलिए इसका नाम बॉटनिकल गार्डन रखा गया है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया गया है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पर बोट भी नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर बोट होते थे, यहाँ पर टूरिस्ट आते थे और उसमें सवारी करते और इस लेक का वो मजा लेते हैं। बराबर है। जी जी, आप क्या बताना चाहते हैं कश्मीर के बारे में? और भी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर नहीं आते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कश्मीर के लिए तो कुछ बोलना ही, एक क्या बोला जाए वही समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि कश्मीर पूरा डिफरेंट है, कश्मीर की हवा, कश्मीर के लोग, कश्मीर का एटमोसफियर, और कश्मीर को ऐसे ही स्वर्ग थोड़ी बोला गया है। इसको बताया गया है कश्मीर इज पैराडाइज ऑन अर्थ कहा गया है। पैराडाइज ऑन अर्थ। और यहाँ की मेहमान नवाजी आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा कि कैसे मेहमान नवाज। हाँ, मेहमान नवाजी भी, वो खातिरदारी भी बहुत अच्छी तरह से होती है, और टूरिस्ट के लिए तो अभी बोलो तो बहुत ठीक ठाक हो गया है। जी जी जी। और आने में कोई अर्जा नहीं है और आ सकते हैं। और कश्मीर में श्रीनगर है, पहलगाँव है, कोकण नाग है, वेरी नाग है, यूसमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, अगर घाटी में बात करें तो ये सब बहुत अच्छी तरह घूमने की जगह है। जी, अगर प्रॉपर टाइम लेके आना चाहिए। हाँ जी, जी जी, तो ही उसका मज़ा आ पाएगा। अभी यहाँ पे आप बॉटनिकल गार्डन आए हो, इससे ऊपर एक यहाँ पर चश्मशाही गार्डन है। हाँ। वहाँ का स्प्रिंग, वहाँ पर एक वहाँ का जो पानी है इतना ठंडा पानी है जो अगर इंसान ने कोई भी चीज खाया होगा वो हजम हो जाता है। हेल्दी पानी, ठंडा पानी है। और ऐसा भी सुनने में आया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए पानी पीने का। हाँ, पानी, जवाहरलाल नेहरू जब भी वो यहाँ पर आते थे वो यहीं से पानी मंगवाते थे। पानी मंगवाते थे। जी जी जी। ऐसा तो मालूम है थोड़ा बहुत तो। अच्छा, चश्मशाही गार्डन के लिए। अच्छा, मुगल गार्डन भी अच्छा है, जो हालांकि 15 दिन के लिए मार्च में ही खुलता है। मार्च अप्रैल में यहाँ पर टूलिप गार्डन होता है। हाँ, वो अभी बंद है, अभी वो बंद है फॉर वन मंथ के लिए होता है वहाँ। इस साल बहुत सारे ऐसे लाखों की तादादों में यहाँ पर टूरिस्ट आए थे, उसको वो एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है टूलिप गार्डन, जो मार्च और अप्रैल में वो यहाँ पर ओपन होता है। ओके, थैंक यू सर।